किस मुंह से इल्जाम धरोगे बारिश पर बौछारों पर जब तुमने ही तस्वीर बनाई मिट्टी की दीवारों पर अरे सर, बहुत बढ़िया सवाल था कि सिंगापुर कहाँ है तो मैंने कहा इंडिया में क्योंकि वो पुर लगा हुआ था ना तो मेरे को लगा सारी <laughs> पुर वाली चीज़ें यहीं तो हैं जयपुर प्रयागपुर कानपुर ठीक <laughs> है तो वो घोर भेजती जो नहीं होती <laughs> वो भी वहाँ पर एंड देन आई रियलाइज कि यार जी के इम्प्रूव करना है दिन बनाने में रात लगती है कौन कहता है आसान बात सो so, सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप आपके शो में मैं बैठा हूँ और मैंने आपके वीडियोस देखे हैं। मिले हम लोग पहली बार हैं। हाँ जी और आ, फिजिक्स एक ऐसा विषय है ना जिससे कहते हैं ना नाता कभी छूटता नहीं है बिल्कुल तो ट्वेल्थ तक बहुत सारे फिजिक्स के क्वेश्चन थे जो अनसर्ड थे उनका आंसर कभी नहीं मिला मुझे मैं आपके वीडियो देख के मुझे मजा आता है वो शॉर्ट वीडियोज देख देख के बहुत सीखता हूँ बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत अच्छा लग रहा है कि इंटरनेट की वजह से हमें इतने अच्छे टीचर्स आपके जैसे टीचर्स same, को सर, देखने same, को देखने मिल same, रहे, same. बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया काम शुक्रिया सर सर इसी इसी क्योंकि आपने बोला फिज़िक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आसपास दिखता है मैं मैथ्स के बारे में भी पूछना चाहूँगा कि मैथ्स के कुछ टॉपिक्स हैं जैसे आप मैथ्स पढ़ाते हैं तो मतलब इस पॉडकास्ट की शुरुआत ही मैं यहाँ से करूँगा क्या आपको लगता है कि मैथ्स के कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो जैसे ट्रिग्नोमेट्री है ये हमारी लाइफ में बहुत काम आता है बिल्डिंग्स बनाने में काम आता है या बहुत सारी जगह और बट कुछ क्या ऐसे कोई टॉपिक्स हैं जो हमारी लाइफ में कभी काम नहीं आते सर प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो जो एग्जाम की मैथ्स है आप उस डोमेन में घुस रहे हो जैसे लेट्स से मैं सरकारी एग्जाम्स के लिए मैथ्स पढ़ा था। हाँ जी तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन उस जॉब में जो मैथ्स वो बच्चे पढ़ते हैं उसका नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन तो एक्सेल से करते हैं लोग आजकल गूगल शीट्स पर हो जाती है तो उतना ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है बस बट आई थिंक मैथमेटिक्स का ज्ञान होना अपने आप में Uh, hmm. एक uh, कहते ना मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स तो वो समझदारी होना ही चाहिए लोगों के अंदर hmm. क्योंकि आपकी जो डिसीजन मेकिंग है या एग्जाम वो टेस्ट ही इसलिए करता है कि आप एक गिवन सिचुएशन में किस तरह का आपका रेस्पॉन्स है बट यूटिलिटी वाइज आई डोंट थिंक जॉब में बहुत ज्यादा टेक्नोमेट्री का यूज है कोई यूज ही नहीं है टेक्नोमेट्री का एज सच एस एस सी की इंजीनियरिंग करें, में है जी इंजीनियरिंग में hmm. होगा जो उस फील्ड में जाते हैं आगे और आपकी वीडियो देखे सर तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ मैंने कहा मैथ्स में भी कुछ ऐसा क्रिएट करें

उसके ऊपर भी आएंगे अभी बट आपके हिसाब से फिजिक्स को पढ़ने के लिए मैथ्स की कितनी जरूरत है सर बहुत जरूरत है आई थिंक फिजिक्स में आप अगर देखोगे कि बड़े बड़े जब डेरेवेशन भी हम लोग करते थे तो उससे मैथ्स की पूरी की पूरी जरूरत है बिल्कुल तो जिसको फिजिक्स में लेट से हायर स्टडीज में जाना है उसके लिए तो मैथ्स बहुत क्रिटिकल कॉम्पोनेंट है ठीक है तो जरूरी है मैथ्स का आना क्योंकि मैथ्स से मैथ्स के बगैर आप फिजिक्स नहीं कर सकते जी जी ठीक है सर तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपके मैं आपके बारे में एक बहुत फेमस कहानी जानता हूँ ये बहुत बच्चे भी शायद जानते होंगे कि आप आ, किस फैमिली बैकग्राउंड से आए हैं या किस जगह से आप आए हैं जहाँ पे एक कहानी हम बच्चों के साथ शेयर ज़रूर करना चाहेंगे कि जिन स्कूल में आप पढ़ते थे वहाँ पे एडुकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस थी और अगर एक बच्चा है जिसको पढ़ने का मन है बट उसके पास ऐसा इन्वामेंट नहीं है तो आप ऐसे ही बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम और जो कि आपकी लाइफ में भी आई होंगी तो उन बच्चों को यहाँ पे आप क्या मैसेज देंगे कि कैसे डील करना है लेकिन कहानी से हम शुरुआत करेंगे वो बोरी वाली कहानी से सर जी सर हाँ जी। सर पहले मैं अपना बैकग्राउंड बताऊँ हाँ तो मैं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से आता हूँ ये यूपी का ज़िला है जो बहुत ज़्यादा कहते ना फ्लरिशिंग ज़िला नहीं है ठीक है पिछड़े जिलों में से ही आता है एजुकेशन का लेवल हमारे टाइम पे तो बिल्कुल अवेयरनेस की भी कमी थी कुछ नहीं पता था हम तो आई टी का नाम hmm. ट्वेल्थ में जाके सुने अच्छा हाँ मुझे कुछ नहीं पता था और मेरी पढ़ाई में बिल्कुल मेरा मन नहीं था सर मतलब गाँव में पैदा हुआ मैं और मेरे पढ़ने का मन ही नहीं था मेरा मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं था तो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको hmm. कि और मैं दोस्ती हमेशा अपने से बड़े बच्चों से करता था मुझे अपने उम्र के बच्चे जो है ना बचकाने लगते थे कि क्या फर्जी बातें करते हैं थोड़ा जो बच्चे दो तीन साल बड़े होते थे ना वो थोड़ा ज़्यादा जानते थे तो मुझे लगता था इनके साथ दोस्ती रखेंगे तो मुझे मम्मी मेरी स्कूल टीचर थी तो अच्छा। मेरे नाना जी इस चीज़ में बड़े बड़ा मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ उनके अंदर एक थाट था कि जितने भी फीमेल्स हैं उनको भी जॉब्स करनी चाहिए बहुत बढ़िया और ये बात मैं जब आजकल प्लेटफॉर्म से बोलता हूँ तो कई लोग इसको रिटेलिएट करते हैं कि अरे लड़की क्यों जॉब करे ठीक आ... है बट उन्होंने ये बहुत सोचा कि हमारी लड़कियाँ जॉब करें तो मेरी माता जी स्कूल टीचर थी ठीक है प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी तो उन्हीं के स्कूल में मैं पहली बार पढ़ने गया क्योंकि और कोई स्कूल था ही नहीं इंग्लिश मीडियम टाइप स्कूल गाँव में नहीं होते हैं वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने गया मैं पहले दिन और मुझे क्लास वन में बिठाया गया मैंने कहा मैं इस क्लास में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि जो मेरे थोड़े बहुत दोस्त थे वो दो दो साल बड़े वो क्लास थ्री में पढ़ रहे थे तो मैंने कहा मैं वहीं से पढ़ना शुरू करूंगा <laughs> तो मैंने थ्री से थर्ड में मेरा पढ़ना मैंने शुरू किया है तो फर्स्ट सेकेंड आप कुछ नहीं पढ़ा मैंने माता जी अच्छा। ने बोला कि आप उस लेवल का सीख लो ठीक है तुम सीधे उनके साथ कैचअप कर पाओ तो तुम पढ़ो थ्री थ्री से साथ में तो मैंने थोड़ा मेहनत किया उस लालच में कि मैं उन दोस्तों के साथ जाऊँगा थर्ड के एंड से मैंने पढ़ना शुरू किया एक तरह समझो सीधे मेरा एडमिशन फोर्थ में हुआ है तो मैंने फोर्थ से पढ़ाई शुरू करी है सीधे अच्छा हाँ जी और ये था वहाँ सर मुझे लगता है कि थोड़ा सा किस्मत ही बोलेंगे इसको कोई ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट मेरे साथ नहीं था किसी का भी ना ही माहौल था बट मुझे जाते ही ना वो कॉम्पिटेटिव फीलिंग से थोड़ा फायदा हुआ कि फर्स्ट आना है क्योंकि उनको भाव मिलता था Yes. में, किताबें मिल रही हैं नाम तो मुझे लगता है थोड़ा भोकाल बनेगा <laughs> तो इसीलिए मैंने पढ़ना शुरू किया कि फर्स्ट आना है तो वहां से पढ़ाई शुरू हुई फिर पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा और बोरे वाली कहानी सर ऐसी हुई है हिंदी मीडियों। हिंदी मीडियम मीडियम सरकारी स्कूल और वो भी जूनियर हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल देन इंटर कॉलेज तो टेंथ का एग्जाम बोरे पे बैठ के हम दे रहे थे फर्स्ट भी नहीं थी उसमें धूल वाला जो गमरा होता है कुछ भी नहीं मिट्टी वाला रूम था बोरे पे बैठ के एग्जाम दे रहे थे और जो बोर्ड में आते हैं बैच चेक करने आते हैं परीक्षा में कि नकल नहीं हो रही हूं। फ्लाइंग तो हम बोलते हैं हाँ, हाँ। फ्लाइंग स्क्वाड हाँ। हाँ। तो वो आके कहता है बोरा झाड़ो सारे लोग पूरे रूम में धूल भर की, कोई चीटिंग तो नहीं, चीटिंग नहीं है। अच्छा और किसी को नहीं पढ़ी है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं जो बच्चे सही से एग्जाम दे भी रहे होंगे उनको होगी वो पूरे कमरे में धूल आंखों में धूल कॉपी पे धूल पंद्रह मिनट में चीजें सेटल हुई फिर बैठ के फिर से लिखना तो वो एक दिन था जब मुझे लगा शायद कि भविष्य बनाना है तो खुद ही लड़ना पड़ेगा hmm. उस दिन मुझे आंखों में आंसू आ गए थे कि यहाँ से कैसे भविष्य बनाए कोई सेंसिटिव ही नहीं है yes. कोई सोच ही नहीं रहा कि यहाँ कोई बच्चा ऐसा है जो भविष्य में कुछ बड़ा सोच के बैठा है शायद वो अच्छे से एग्जाम दे रहा हो पैर पे बैठ के हम लोग लिखते थे कॉपी ऐसे hmm. तो वहाँ से ये दिमाग में आ गया कि यहाँ से निकलना है और यहाँ के लोगों की नहीं सुननी है क्योंकि वहाँ हर कोई ये कहता था पढ़ लिख के क्या करोगे कुछ नहीं कर पाओगे नौकरी नहीं मिलने वाली और आपके पेरेंट्स क्या कहते थे पापा का मेरे मन था मुझे पढ़ाने का ठीक है बट अब जो चीज़ें थी वहाँ सर हमारे घरों में जितने भी लोग हैं वो टीचर्स ही हैं लेकिन वो टीचर सारे सरकारी स्कूल में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं तो उससे बढ़कर कोई कभी सोचता ही नहीं था हमारा दायरा यही है किस टीचर बनना है सरकारी स्कूल में बनना है बस उससे बाहर कोई नहीं सोचता था बट मेरा यह था कि टेंथ में स्कूल में टॉप किया मैंने अरे लकली मतलब मुझे भी नहीं पता था मैं कर जाऊँगा और कोई बहुत बड़ा स्कूल नहीं था वो बट ये था कि वहाँ फर्स्ट आने से अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि हम कुछ कर सकते हैं और फिर पापा लोगों ने पूरा सपोर्ट किया तो एलेवन ट्वेल्थ भी उसी स्कूल से पढ़ाऊँ मैं वहीं कमरा लेकर रहता था वो मिट्टी का तेल का जो स्टोव आता था ना उस पर खाना बनाते थे हम लोग लाइट्स कभी नहीं होती थी हमारे यहाँ शाम को पढ़ने के लिए तो वो जो मोमबत्ती और लांटेन जो होती थी उसी में पूरी पढ़ाई करी हमने ट्वेल्थ तक ट्वेल्थ के बाद मैं लखनऊ गया सर वहाँ कोचिंग आई की करने और वो फिर नया दौर एक शुरू हुआ सर एलेवन ट्वेल्थ में टीचर्स कैसे मिले आपको अच्छे थे सर टीचर्स देखिए हर जगह की एक लिमिटेशन है तो टीचर्स का एक्सपोज़र उतना ज़्यादा नहीं है कि मैं कहूँगा कि वो बच्चों को आईआईटी लेवल का तैयार करा पाएंगे बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझे वो टीचर्स मिले जिन्होंने ये बोला कि तुम पढ़ो बहुत बढ़िया आई थिंक उनका जो ये रोल है ये बहुत ज़रूरी है मैं उनको अगर आज की डेट में नॉलेज के ऊपर जज करूं कि लखनऊ के टीचर कैसे होते हैं इंग्लिश मीडियम टीचर कैसे होते हैं तो ये बेमानी होगी मुझे कुछ ऐसे टीचर्स वहाँ मिले जिन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी कि तुम पढ़ो तुम सोचो तुम जिंदगी में ऐसा मत सोचो कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे तुम आगे बढ़ो तो ये ये चीज़ ज़रूरी मेरे केमिस्ट्री के टीचर हैं बालमुकुंद पांडे जी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ मैं उनकी आई के टाइम पर सर एक ऐसा दौर आया था जब आई आई की तैयारी हम करने जा रहे थे तो कुछ लोग जो आई की तैयारी पहले से कर रहे थे उन्होंने आके हमसे बोला कि देखो यहाँ के बच्चों का आई नहीं निकलना है तो तुम ये सपने मत देखो मुझे याद है मैं कोचिंग के लिए जाने वाला था और घर वालों ने उधार पैसे से इकट्ठा किए थे तो मैं भी आके डिस्करेज हो गया कि यार ऐसी तैयारी क्यों करें जिसमें नहीं होना है शायद हम बहुत पीछे हैं तो पापा से मैंने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा तैयारी करने वो वाक़ था और एक जिनसे पैसे भी हमने उधार लिए थे वो लेके चले गए वापस उन्होंने मांग ली है, लिया किसी ने बोल दिया कि ले लो पैसे वापस इनसे कि ये बच्चा ना जा पाए तैयारी करने तो दोनों चीज़ें एक साथ हुई मेरा भी मन थोड़ा टूटा उस समय कि लोग डिस्करेज करें नहीं जाते हैं। फिर वो हमारे केमिस्ट्री वाले सर हैं बालमुगन जी उन्होंने आके एक चीज़ बोली मुझे बोले कि तुम जाओ तैयारी करने अगर तुमको लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे तो लौट आना जिंदगी थोड़ी ना खत्म हो जाएगी बट ट्राई नहीं करोगे तो जान भी नहीं पाओगे आई थिंक उनका बहुत बड़ा रोल रहा है इस चीज़ में और फिर मेरे को लगा कि जाना है फिर हमने दोबारा पैसे जुटाए उधार लेके और लखनऊ गए आईआईटी मेरा निकला नहीं सर लेकिन वो कदम जिंदगी में मेरे लिए बहुत बड़ा था उसी ने मुझे बना दिया बहुत कुछ सिखाया उस हाँ, रिस्क लेना सिखाया और ये सिखाया कि लोगों की मत सुनो मैंने आई आई प्री निकाला प्रिलिम्स में मेरी रैंक बारह थी और मेंस में मेरा केमिस्ट्री में, में कट ऑफ नहीं निकला तो सिलेक्शन नहीं हुआ बट ओवरऑल कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लेके आया था फिजिक्स मैथ्स में फिजिक्स मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आए थे तो वहाँ से ये समझ में आ गया कि ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं और यूपी का एग्ज़ाम होता था उस समय यूपी स्टेट का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम था उससे मेरी एक रैंक आई थी तो उससे आपको आ, आपका वाला कॉलेज एच बी मिल गया ओ, मुझे ठीक है तो आ, मतलब यहाँ पर एक बड़ा अच्छा मैसेज है सर कि भले ही आपका एंट्रेंस क्रैक नहीं हुआ बट आप उस जर्नी में बहुत कुछ सीखे सर बहुत सीखा मतलब आई टी की तैयारी में पहली बार मैंने सीखा कि चीज़ों को लॉजिक से सीखना है मतलब मैथ्स में मुझे मॉडिक्स नहीं पता था ट्वेल्थ तक हमारी टेक्स्ट बुक में मॉडिक्स नहीं दिया हुआ था तो टीचर जब एक्स के आगे वो मॉड का सिंबल लगाया मैं डर गया मैंने कहा गलत लिख रहे हैं क्या पिंजरा क्यों लगा रहे हैं ठीक है तो वहां सर मतलब मैथ्स को मैंने देखा कि मैथ्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फिजिक्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है hmm. कि इसमें तो सारी चीजें सर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ फिजिक्स का hmm. हमने ट्वेल्थ तक वो के कुमार मित्तल करके किताब चलती थी, थी हिंदी मीडियम अच्छा, में आपने शायद नाम भी नहीं सुना नहीं, होगा सुना तो उसमें फिजिक्स में जब सेंटर ऑफ सेंटर को डिनोट करते थे किसी सॉलिड बॉडी के लिए जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन करनी है तो वहां उस एक्सिस को एक पॉइंट के तौर पे बनाते थे और ट्वेल्थ तक हमें नहीं पता था कि एक्सिस है हम उसको एक पॉइंट की तरह ही देखते थे

तो कॉलेज में सर क्या हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज में गए और वहाँ मेरी जी के जीरो थी कुछ नहीं आता था वो वही था कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ो इंजीनियरिंग आ गया तो वहाँ एक बार जी के कुछ चल रही थी ऐसे ही लोग बोले कि पूछ रहे थे कि कौन सी कौन सा देश कहाँ पर है मैं थोड़ा लेट पहुँचा था तो चुन नहीं पाया कि देश की बात हो रही है तो उसमें सवाल था कि सिंगापुर कहाँ है तो मैंने कहा इंडिया में क्योंकि वो पुर लगा हुआ था ना तो मेरे को लगा सारी पुर वाली चीज़ें यहीं तो हैं जयपुर प्रयागपुर कानपुर ठीक है तो वो भोर भेजती जो नहीं होती है, yeah. वो वो वहाँ पर एंड देन आई रियलाइज कि यार जी के इम्प्रूव करना है तो सिविल की तैयारी जो छोटी मोटी नॉन सीरियस हुई मेरी जॉब छोड़ने के बाद तो उसमें मैंने थोड़ा हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी पढ़ी कि थोड़ा दुनिया समझते हैं और फिर मुझे लगा कि ह्यूमेनिटी सब्जेक्ट जानना कितना ज़रूरी है hmm. आज भी सर मैं ह्यूमेनिटी सब्जेक्ट्स बहुत पढ़ता हूँ और मुझे Achha. लगता है मेरी पर्सनालिटी में उसका बहुत रोल है फिलॉसफी साइकोलॉजी इकोनॉमी हिस्ट्री पॉलिटी सारे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट के तौर पे पढ़ता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे लोगों को समझने में hmm. दुनिया को समझने में जितना बड़ा साइंस का रोल है उतना ही ह्यूमैनिटीज़ का रोल भी yes. है अगर आपको सोशल इशूज नहीं पता है बिल्कुल. तो आप सोसाइटी में किसी इंसान को देखोगे कोई इशू आप देखोगे तो आपके जो जजमेंट्स होंगे hmm. वो इमोशनल होंगे खाली इमोशनल तो आई थिंक लाइफ में हर चीज़ का एक अपना महत्व है आई के फेलोर का एक अपना महत्व है इंग्लिश नहीं आती थी सर मुझे मुझे इंग्लिश बोलना ही नहीं आता था इतने कमजोर थे हम लोग इंग्लिश में हिंदी मीडियम से पढ़े पहली बार मैंने कैट एग्जाम दिया तो मेरी इंग्लिश में नंबर निगेटिव आए ठीक है मैंने इन्फोसिस का इंटरव्यू दिया सर कॉलेज में मैंने इंटरव्यूअर को बोला हिंदी में ले लो प्लीज मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा देन वो एक चीज़ थी कि नहीं इसको इम्प्रूव तो उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा इंटरव्यू में सर कुछ नहीं वो ही वॉज़ वेरी इन्फोसिस में सर अच्छी बात क्या थी ना कि वो लोगों को उनके एप्टीट्यूड के बेसिस पे लेते थे और ये था कि इन्फोसिस की ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है तो वो जावा डॉट नेट सब सिखा देते हैं तो उनका वो सर आपसे टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं उनका जो एक राउंड होता है इंटरव्यू का सिंपली यह राउंड होता है रिटर्न निकाल लो ये राउंड टाइप का होता है तो मैंने बोला इंग्लिश में सीख लूंगा बाद में तो ही वॉज ओके उन्होंने हिंदी में सवाल पूछा और ले लिया मुझे जी सर मैथ्स में इंटरेस्ट कैसे जाएगा आपके पास तो काफी सब्जेक्ट थे तो ये क्यों लगा कि मैथ्स ही पढ़ाते हैं सर मैथ्स में क्या था कि मैथ्स में शुरू से थोड़ा इंटरेस्ट था मेरा टेंथ में भी बैठ के जैसे साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है अब मेरे को कई कभी किसी ने नहीं समझाया कि ये आइडेंटिटी है कभी गलत नहीं होगी मैं रात भर बैठ के उसको गलत करने में लगा रहता था कि कोई ना कोई वैल्यू तो मिलेगी जिस पे गलत होगा आप 45 ऐसा वैल्यू ये ट्राई करता था फिर मैं ट्राइट एंगल ट्राइंगल बना के अलग अलग, अलग वैल्यूज डाल अच्छा। के चेक करता था मेरे को नहीं पता था कि आइडेंटिटी कभी गलत नहीं हो सकती है तो इंटरेस्ट था बट वो बेस नहीं था जिसपे मैं अपने इंटरेस्ट को एक मतलब ज्यादा परस्यू कर पाऊँ आई की तैयारी में मैथ्स को मुझे लॉजिक से सीखने का सर मौका मिला जैसे ट्वेल्थ में प्रोबेबिलिटी हमें नहीं पढ़ाई गई टीचर ने बोला तुम लोग सीख ही नहीं पाओगे अब वो मेरे ईगो पे लग गई बात मैंने प्रोबेबिलिटी रट डाली पूरी समझ तब भी नहीं पाया था अब आईआईटी में मुझे प्रोबेबिलिटी और प्रमोटेशन कम्बीशन पढ़ने का मौका मिला और वो इतना मजा आया उसमें कि कितना लॉजिकल है ये फिजिक्स में सारी चीजें सीखने को मिली कि ये पुली मास सिस्टम तो सोचने का नजरिया मिला मुझे कि जिंदगी में हर चीज़ को होता है ना कि हम बस पढ़ लें और एक होता है हम गहराई में उतर के सीख लें तो मैथ्स में सर वही आईटी के टाइम पे इंटरेस्ट आया तगड़ा इंटरेस्ट आया मुझे मैथ्स में इतना मज़ा आने लगा था कि आ, मतलब मैथ्स का कोई भी सवाल मुझे कहीं का भी मिल जाए तो मैं उसमें तो पूरी पूरी रात निकाल देता था ऐसा इंटरेस्ट था मुझे सर लेकिन यहाँ पर मुझे एक बहुत अपोज़िट बात सुनने को मिली आपसे मैं क्योंकि पढ़ा रहा हूँ लगभग चौदह साल पंद्रह साल से तो मैंने ये देखा कि जो लोग सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं और जो ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे होते हैं ऑब्जेक्टिव वाले थोड़ा लॉज मतलब कि थोड़ा डेप्थ में कम जाते हैं कंसेप्ट के क्योंकि उनको चार ऑप्शन में से एक चुनना होता है तो और आईआईटी में या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में बच्चों के पास शायद इतना टाइम भी नहीं होता है कि वो हर चीज़ के ऊपर बीस बीस एग्जाम्पल्स के ऊपर बात करें अभी आपने बोला कि मैं कॉस को ए, थीटा साइंस को ए, थीटा को प्रूफ करने के रात भर सोचता रहा कि गलत होगा गलत होगा तो एंट्रेंस की तैयारी करते वक्त बच्चों को इतना टाइम मिलता है कि वो किसी चीज़ के बारे में सर कई बार क्या होता है ना आप ऑप्सेस्ड हो जाते हो तो वो मेरा ऑप्शन मैथ को लेकर हो गया था उस टाइम पर बहुत ऑप्शस था मैं कि प्रोबिलिटी का मैं सोचता था कोई भी सवाल ऐसा मिल जाए जो मैं ना लगा पाऊँ उस टाइम पे ऐसा मेरा लेवल हो गया था कि मुझे प्रोबेबिलिटी का सवाल में खोजता था कि कहाँ से ऐसा कोई सवाल मिले जो मुझसे ना हो तो एक होता है ना कई बार आप ऑप्सेस्ट हो जाते हो सब्जेक्ट को लेके तो वो हर चीज़ कहते हैं ना आप दूसरे सब्जेक्ट को सेक्रीफाइस कर दो केमिस्ट्री सर हाँ। इसीलिए तो रह गया ठीक है मैथ्स में ज्यादा घुस गया और केमिस्ट्री में रह गया फिर मैं नौ नंबर ही आए मेन्स में सर यहाँ पर ये बच्चों को एक मैसेज देने वाली बात है कि जिन जो सब्जेक्ट हमें अच्छा लगता है हम अक्सर उस पर समय ज्यादा लगाते हैं जी जी बिल्कुल है ना एज कम्पेयर टू वो जिसपे हम कमज़ोर हैं तो यहाँ आप क्या मतलब एडवाइस दोगे बच्चों को सर मेरे साथ एक और केस हुआ था आई थिंक ये बहुत अच्छा मैसेज भी बच्चों को मैं दूंगा प्लीज़ तो लखनऊ में सर मैं कोचिंग कर रहा था आई के उस टाइम पे केमिस्ट्री के जो टीचर थे ना वो केमिस्ट्री को बहुत आसान करके पढ़ाते थे ठीक है मतलब डेढ़ घंटे की क्लास को एक घंटा ही पढ़ाते थे और आते थे हंसी मजाक में केमिस्ट्री पढ़ा के चले जाते थे तो आई जैसे एग्ज़ाम को हम इतना सर पर चढ़ा लेते हैं कि हमें लगता है कि यार ये टीचर इतना आसान पढ़ा रहा है तो सही नहीं पढ़ा रहे Hmm. वो जो पढ़ा रहे थे उससे चीज़ें समझ में भी आ रही थी सब कुछ अच्छा था बट मुझे टीचर पर ही डिस्ट्रस्ट हो गया तो मैंने गलती क्या कर दी उस टाइम पे केमिस्ट्री में कि मैंने उस टीचर को पढ़ना छोड़ दिया मैंने hmm. कहा ये नॉन सीरियस टीचर इसे आई टी नहीं निकलेगा देन मैंने उन टीचरों को पकड़ा जो जबरदस्ती मतलब कहते हैं बहुत लंबा पढ़ा रहे थे hmm. uh, केमिस्ट्री को और मैंने वो रसनी खाली रस्तानी कौन कौन सी किताबें खरीद डाली केमिस्ट्री की उसमें भी मैंने पढ़ा बहुत बट उतना नहीं पढ़ना था और आई थिंक वो टीचर्स पे जो मेरा डिस्ट्रस्ट था वो मेरे फायर कर गया yes. मतलब ख़ुद से पढ़ना चीज़ें सर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है एक टीचर hmm. जब आपको पढ़ा के सिखाता है वो चीज़ें आसान होती हैं बिल्कुल बट एग्ज़ाम uh, में आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है देन यू वर्क इक्वली ऑन एवरी सब्जेक्ट क्योंकि हर सब्जेक्ट बराबर इम्पॉर्टेंट है uh, तो वो आई थिंक बैलेंस एक बनाना चाहिए सबको जी ठीक है तो सर एस uh, एस के बच्चों को आप पढ़ाते हैं एस के बारे में कोई एक अच्छी बात कोई एक बुरी बात सर अच्छी बात आई थिंक मुझे लगता है एसएससी में यह था और मेरा जुड़ने का कारण भी था ये सर गांव से मैं आता हूँ यहाँ मैक्सिमम बच्चे गांव के तैयारी करते हैं जिनका एस्पिरेशन इमिडेटली आई का नहीं है यस yes. तो मुझे लगा कि मैं इन बच्चों से ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊंगा इनकी इनका जो परिवेश है जो इन्वायरमेंट है उसको मैं समझता हूँ दूसरा मेरे दिमाग में यह था कि मैं जब भी खुद को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मैं किसी चीज़ का प्रोडक्ट हूँ तो इसी चीज़ का प्रोडक्ट हूँ कि छोटी जगह पर रह कर भी बड़ा सपना देखना और किसी की बात नहीं सुनना तो मुझे लगता है कि मैं इनसे कनेक्टेड रहना चाहता था इन बच्चों से कि मैं इनको ये बोल पाऊँ कि तुम अगर एक गाँव में पड़े हो जहाँ संसाधन कम है तुम्हें लगता है तुम्हारा कुछ नहीं होगा तो भी लड़ो तो शायद ये कारण था मुझे लगता है आई टी, टी में थोड़ा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बच्चे होते हैं तो पढ़ाने के लिए सर जब मैं आया था अपनी नौकरी छोड़ के मैं ऐसे ही आ गया था कि मुझे पढ़ाना है तो मुझे नहीं पता था मैं किसको पढ़ाऊंगा क्या करूंगा मैं बहुत ओपन था मैं आई को भी पढ़ा सकता हूं ठीक है मैं कैट को भी पढ़ा सकता हूं क्योंकि मेरी मेरा कंफर्ट हर जगह था थोड़ी मेहनत करूंगा हर चीज़ पढ़ा लूंगा तो उस समय बैंकिंग एग्ज़ाम्स बड़े पॉपुलर हो रहे थे और सारे बच्चे वही मोस्टली टीयर टू टीयर थ्री के थे सब्जेक्ट्स जो थे वो क्वान डी रीजनिंग hmm. ये सारे विषय थे इंग्लिश तो मैंने बैंकिंग से शुरू किया देन बच्चों ने बताया कि एस नाम का एक एग्ज़ाम एक एक होता है जिसमें मैथ्स पूरी आती है मतलब सारे सब्जेक्ट वो टेंथ वाले होते हैं टेक्नोमेट्री भी या जोमेट्री टेंथ भी है। तक की आती है और अच्छी मैथ्स है मतलब वाइडर सिलेबस था मैथ्स का तो मुझे लगा कि यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट टीचर की बहुत वैल्यू होने वाली है मैथ्स में तो फिर मैं स्विच कर गया और एस पढ़ाना शुरू किया बुरी बात सर ऐसी कुछ नहीं मुझे लगता है कि जो एस्परेशन कैटेगरी है बच्चों की जो आई का सपना बहुत बड़ा सपना है सक्सेस रेट बहुत लो है उनके लिए ये बहुत अच्छी नौकरी है सर स्टार्टिंग में जो ए बनते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एस एस सी के थ्रू सत्तर बहत्तर हज़ार रुपये की स्टार्टिंग सैलरी है और एक स्टेबल जॉब्स हैं और सोसाइटी में भी गवर्नमेंट जॉब्स को लेके तो हमारी सोसाइटी में तो बहुत वैल्यू है गाँव में देखते हैं तो बुरी बात ऐसे कुछ नहीं है एग्जाम में सर डिलेज थे पहले बहुत कि बहुत डिले होते थे एग्ज़ाम्स अभी वो साइकिल भी बढ़िया हो गई है डिले मतलब पोस्टपोन होते थे बहुत लंबा टाइम अच्छा। लगता ढाई ढाई साल लग जाते थे तीन तीन साल लग जाते थे पोस्टिंग होने तक एग्ज़ाम होने के बाद तो अच्छा। अभी पैटर्न चेंज किया गवर्नमेंट ने और एग्ज़ाम साइकिल भी छोटी हो गई है जल्दी रिजल्ट आ रहे हैं तो जैसे लाइक किसी ने एग्ज़ाम क्लियर किया तो पहले तो उसकी जॉब लगने में ढाई साल लगते थे तो ढाई साल का कई बार तीन साल हो गए कई बार कोर्ट केस हो गया तो और लंबा लटक गया तो बहुत तो उस दौरान तक बच्चा क्या करता है खाली हुआ है और एग्जाम्स दे रहा है वो तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी दूसरा एस में एक चैलेंज और भी है अभी कि जैसे सर क्या होता है एक बच्चा सात नौकरियाँ ले लेता है क्योंकि उसको नहीं पता उसकी ज्वाइनिंग कब आएगी तो मल्टीपल एग्जाम्स वो देता रहता है ठीक है अब क्या होगा ज्वाइन तो वो एक करेगा बाकी पोस्ट रह जाती हैं खाली तो वेटिंग लिस्ट का सिस्टम होना चाहिए जैसे अगर हम आई टी एग्जाम्स की बात कर लें जेई मेन वगैरह तो इनमें रीकाउंसलिंग वगैरह होती Cut है ना एक लगी फिर सेकंड लगी लाइक हाँ।, like, हाँ तो कुछ वेटिंग टाइप का सिस्टम लगा दें बैंकिंग एग्जाम्स में है कि जैसे जो बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनकी जगह जो बच्चे थोड़े कम नंबर वाले होते हैं उनको वेटिंग लिस्ट में होते हैं उनको नौकरी मिल जाती है सर इसको मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि मान लेते हैं किसी एस के किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए पाँच हज़ार हैं ठीक है तो आपने उसमें एग्जाम क्लियर कर लिया अब रेमो सर की नौकरी वहाँ होने वाली है बट आपने वो नौकरी नहीं ली तो वो सीट वेस्ट हो जाएगी सर अब वो उसकी वैकेंसी अगली बार ऐड होगी होनी होगी तो अच्छा तो बच्चे को क्या है नया कंपटीशन देके उसको निकालना पड़ेगा बट ये सॉल्व तो नहीं।, नहीं हुई ना सर क्योंकि अगले साल भी यही होगा हाँ। तो बच्चा क्या सोचता है कि यार सरकारी नौकरी का कोई भरोसा नहीं है कोर्ट केस हो जाए कोई भरोसा नहीं है तो वो चार एग्जाम देके चार नौकरियां लेके बैठ जाता है ज्वाइन एक करता है तीन वैकेंसी जो है वेस्ट हो ये पंगा होता है इसमें कई बच्चे होते हैं ओवर एज हो जाते हैं उनकी तीस की उम्र पूरी हो गई तो उनको तो अगला एग्जाम देने का मौका ही नहीं है तो ये एक प्रॉब्लम है जो आई थिंक एस को एड्रेस करना चाहिए और बाकी तो ठीक है सर सर एस पे आने का एक बच्चे का मेन कारण क्या होता है क्या वो इंटरेस्ट है या वो पैसा है या वो कोई पावर है क्या है आपके हिसाब से सर आई थिंक मिक्स सेवरी थिंग है जैसे से अगर आप गाँव में जाओगे तो जैसे इसमें जो पोस्ट मिलती है सर जो फील्ड जॉब्स जॉब जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हुँ, हुँ. अब लोग इनकम टैक्स के नाम से ही डरते हैं yes. आगे इंस्पेक्टर लगा हुआ है हुँ. तो वो जो हमारी सोसाइटी में सर स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना दबदबा थोड़ा तो जीएसटी इंस्पेक्टर बन गया भोकाल तो वो एक कारण है और सर मुझे लगता है कि स्टार्टिंग सैलरी अच्छी है सत्तर हजार रुपए की स्टार्टिंग बुरी नहीं है बिल्कुल नहीं लोग आईटी में जाके हाथ पैर मारते हैं तो पच्चीस से शुरुआत होती है और जॉब सिक्योरिटी है घर वाले भी चाहते हैं कि बच्चा सरकारी नौकरी ले ले तो वो कई सारी चीजों में फिट बैठता है प्लस जिनकी यूपीएससी एस्पिरेशन है तो उसको पता है यूपीएससी में घुसने के पहले एस में नौकरी ले लो एक पैर जमा लो एक प्लान बी पहले रेडी है तब आप यूपीएससी की तैयारी करो बहुत बढ़िया ठीक है और इसमें सर एक एडवांटेज और भी है एस में कि टाइम से अगर लग जाओ ना तो प्रमोशन होते 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 आप वो जो सिविल सर्विसेज में लोग एंट्री मारते हैं ना जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ एक पोस्ट होती है इंडियन रेवेन्यू सर्विस में ठीक है असिस्टेंट कमिश्नर तो वो पोस्ट आप यूपीएससी में जैसे घुसोगे आपको मिल जाती है ये लोग प्रमोट होकर ना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से सर्विस के आखिरी दिनों में बन जाते हैं असिस्टेंट कमिश्नर ठीक है तो वो ग्रुप ए जो होता है ना वो टैग लास्ट में लग जाता है तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई प्रमोट होते होते आखिरी में असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएंगे हम लोग तो प्लस जैसे जॉब्स भी ठीक हैं सर दिल्ली में जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है उसमें वही मंडे टू फ्राइडे का काम है नौ से पाँच की नौकरी है दिल्ली के दिल्ली में हो आप तो कई सारी ऐसी पोस्टिंग है कि आप जिंदगी भर दिल्ली में रहोगे कुछ ऐसी पोस्टिंग है जिसमें आपको फॉरेन जाने का मौका मिलता है जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्शनल अफेयर्स एमईए ई तो बहुत सारी वैरायटीज हैं और जिनको फैमिली लाइफ गुजारनी है अच्छी उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको ज़िंदगी भर दिल्ली रहना उनके लिए अच्छा है जिनको आई बनना है दिल्ली में कोचिंग करनी है उनके लिए बहुत अच्छा है तो ये आप ऐसा समझ लो कि जो स्टेट पी एग्ज़ाम्स हैं उसके बाद ये सेकेंड मोस्ट प्रेफर्ड एग्जाम्स हैं आई ए एस पी एस सर क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो लगभग ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ट्वेल्थ पास किया जी 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 तो एक ये मैं जानना चाहूँगा उनके बिहाफ़ से कि क्या रेशो रहता है कितना बच्चा एग्जाम देता है सीट्स कितनी है नौकरियां कितनी लगती हैं सर नौकरियां में आपको जैसे एक डेटा बता देता हूं कंपटीशन तो अच्छा खासा है मतलब वैसे आप लोग कोई भी पोस्ट आती है बीस लाख फॉर्म तो ऐसे ही भर जाते हैं अच्छा ठीक है और सक्सेस रेट ऐसा है कि जैसे एस एस का इस साल का एग्ज़ाम है उसमें पचहत्तर के आसपास वैकेंसीज हैं इस साल बीस लाख में फॉर्म के पचहत्तर सौ सीट्स मिले हाँ तो मतलब मैं एग्जैक्ट नंबर अगर कोट करूँ तो लगभग तीन में से एक बच्चे का फाइनल सेलेक्शन होना है

पिछले एक दो सालों में खूब वैकेंसीज आई फिर अब वैकेंसी नॉर्मल लेवल पे हो गई तो तो है तो कंपटीशन तो हाई और बढ़ता रहेगा बट ये तो हर जगह है सर सर हर जंग को जीतने के लिए कुछ हथियार हाँ। चाहिए यहाँ ऐसे कोई तीन हथियार जो बच्चों के पास होने ही चाहिए जी जी एस का एग्ज़ाम करैक करने के लिए ठीक वो क्या होंगे सर मैं कुछ लाइनें बोलूंगा बिल्कुल एक लाइन है दिन बनाने में रात लगती है कौन कहता है ये आसान बात होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है आज की डेट में है वो Uh, सबको फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है hmm. सर आज की डेट में इतना एक्सेस हो गया कंटेंट का ना दैट बच्चा एक एक नॉर्मल काम है कि एक सिलेबस है उस सिलेबस को पूरा करना है रिवाइज करना है प्रैक्टिस करना है मॉकटिस देना है hmm. बस हाँ। वो साल में पचास बार स्ट्रैटेजी देखता रहता है कि hmm. मैं दस दिन क्या करूँ hmm. अगले पंद्रह दिन क्या करूँ यही मामला सारा गड़बड़ गड़बड़ा है फोकस नहीं है तो yes. मुझे ये लगता है एसएससी जैसे एग्जाम में सर एक अच्छी बात है प्योर ऑब्जेक्टिव एग्जाम है एबीसीडी वाले इसमें वो सिस्टम नहीं है कि कुछ लिखना है ये पहले पहले था था। हट गया है अच्छा प्योर ऑब्जेक्टिव है पेपर मतलब आपका बस नॉलेज और स्पीड का टेस्ट है तो कोई भी बच्चा अगर फोकस तरीके से तैयारी करे दम लगा के कंसिस्टेंट रहे कंसिस्टेंटली अगर आप पढ़ोगे और रोज रोज वो यूट्यूब पर जाके नई नई स्ट्रैटी ना सीखे तो हो जाएगा और मुझे लगता है आज की डेट में तो वो गैप भी खत्म हो गया है कि आपको अच्छे टीचर का एक्सेस नहीं है ऑनलाइन में तो यू हैव एक्सेस टू ऑल गुड टीचर्स तो आप अच्छे टीचर के साथ लग जाओ और टीचर पे ट्रस्ट करके उसके साथ अगर आप मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा सिंपल सर एस एस सी में अभी यानी देखी बहुत कॉन्ट्रवर्सीज़ होती हैं जी 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 तो सर क्या मतलब क्या एक्चुअली में ऐसा होता है कि बच्चों की रैंक बिकती हैं और एस एस सी के एग्ज़ाम में क्या कभी आपको कोई ऐसा कोई बच्चा मिला है कि अब मैं एस एस सी के एग्ज़ाम इसलिए क्रैक करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे घूस वाला पैसा बहुत है या वैसा वाला पैसा बहुत है ऐसा कुछ बच्चे आपको कुछ मिले हों सर देखिए अब मैं इस पे इसको कई तरीके से आंसर ठीक है पहले एक तो पहला मुद्दा जो आपने बोला कि टॉपर्स का टॉपर्स टॉपर्स खरीदे बेचे जाते हैं तो सर का जहां तक खरीद फरोख था ये तो आईआईटी में भी हमने सुना है हर है हर जगह होता सुना है। हमने हर जगह ठीक है कि यहाँ भी आई में इसने खरीद लिया yes, उसने खरीद एग्जैक्टली तो आई थिंक ये एस की प्रॉब्लम नहीं होगी ये प्रॉब्लम एक जनरल प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक है दूसरा जो इशू है ये क्यों होता है इसका सर कारण बहुत सिंपल है क्योंकि जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो एक बिजनेस है उनको लगता है कि अगर हम दस लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसे पाँच करोड़ बना लें तो कर लो ठीक है।, है।, है बच्चे भी इतना नहीं सोचते हैं आई थिंक वो माइंडसेट होता है सबका कि यार चलो कमा लेते हैं मौका मिला सर जैसे दहेज है अब दहेज भी गलत है लेकिन लोग ले लेते हैं बिल्कुल तो लोगों को ये लगता होगा कि ठीक है रैंक निकालिए ले लो पैसा लेकिन इसमें सर प्रॉब्लम क्या होती है कि लार्जली हमें लगता है कि सारे टॉपर्स गलत हैं ये ऐसा पिक्चर पेंट कर दिया जाता है कि सब गलत हैं ये और गलत बात है जी yes. सर मैंने अस्सी नब्बे टॉपर्स का इंटरव्यू लिया है अपने शो में रैंक वन रैंक टू रैंक थ्री सब आए हमारे पास सर उस शो का नाम क्या है रेमो विद टॉपर्स करके शो है यूट्यूब पे मैंने किया है हाँ तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा यार कि रेमो सर बच्चों के इंटरव्यूज लेते हैं बहुत अच्छे अच्छे तो अगर आप एस की तैयारी करने वाले हैं या करना चाहेंगे फ्यूचर में तो वो इंटरव्यू जरूर जाकर देखिएगा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ज़रूर दूंगा बहुत कुछ सीखेंगे आप सर आपने एक क्वेश्चन भेजा था करप्शन जी क्या बच्चों के दिमाग में सरकारी नौकरी को लेकर ये होता है सर मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि नहीं होता होगा नहीं। जरूर होता होगा ठीक है क्योंकि इसमें हमें इंडिविजुअली उनको पॉइंट आउट करने के बजाय हमें सोसाइटी को समझना पड़ेगा यस बिल्कुल सर आप गांव में जाओगे वहाँ ये बहुत कॉमन बात है कि सरकारी में अगर लगे हो तो वैसा वाला कितना पैसा है दैट इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ सी टी सी ठीक है कि अच्छा पचास हजार सैलरी है ऊपर से बीस मिल जाए लोग ऐसे बताते हैं सर खुल के अच्छा मतलब आपको मिलेंगे तो लोग बताएंगे कहेंगे कि देखो मेरा वहाँ उस ऑफिस में लग गया है पच्चीस हजार मिलता है मुझे लेकिन ऊपर से भी पंद्रह मिल जाता है तो पहली बात तो वहाँ ये सब चीजें बहुत नॉर्मल हैं ठीक है मतलब इतनी इसको ऐसा नहीं माना जाता है कि ये कोई खराब चीज है तो बच्चे के दिमाग में अगर ये है कि मुझे ऐसा पैसा लेना है तो वो पहले तो यही फैमिली और सोसाइटी से आता है बट आई थिंक अभी सरकार ने काफी नकेल कसी हुई है इतना आसान नहीं रह गया सब कुछ और एक बार सर जो फंसता है ना विजिलेंस वगैरह में उसकी hmm. पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है तो वो डर भी जरूरी है कहीं कही ना कहीं और हमारे जैसे टीचर्स का ये रोल है कि उनको ये समझाएं yes, कि भाई देखो ये, ये चीज़ें नहीं करनी है सर मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी बताता हूँ जी प्लीज़ जब मैं सिविल के लिए आया था मेरी लाइफ में कुछ ऐसे एपिसोड हुए कि मुझे ये था कि लाइफ में पैसा बहुत ज़रूरी है कमाना मतलब जब आई की कोचिंग थी तो पिताजी के पास दो हज़ार कम थे कोचिंग वाले कम नहीं कर रहे थे पैसा और हम लोग उनके सामने गिड़गिड़ाई रहते कि कम कर लो तो मुझे ये लगा कि सामने वाला हमारी बात हर कोई नहीं समझेगा जिंदगी में हमें कि पैसा किस... चाहिए yes. और मुझे ये भी लगता है सर कि पैसे होने से जब आपकी फैमिली और आपके आपका परिवार जब बिल्कुल सेफ है सिक्योर्ड है तब आप सोसाइटी के लिए ज़्यादा कर जाओगे आप अपने अपने लिए रोटी नहीं जुगाड़ पा रहे हो तो आप लोगों की हेल्प कहाँ से कर पाओगे hmm. है ना तो जैसे शुरुआत शुरुआती मोटिवेशन है था मुझे पैसे खूब कमाने हैं ये मोटिवेशन है। मेरा था लाइफ में तो सिविल सर्विसेज एक ऑप्शन जो मेरे लिए था तो मैं उसमें ये सोच था कि आई की सैलरी कितनी होगी hmm. तो मुझे लगता था यार इतनी कम सैलरी में मैं मेरे को मेट्रो शहर में रहना है मुझे ये था बड़े शहर में रहूँगा ठीक है ठीक है और तो मुझे लगा इस सैलरी से काम नहीं होगा क्योंकि मेरे दिमाग में वो करप्शन वाला पैसा कभी मेरा पैसा था ही नहीं कि मुझे नहीं लेना वो पैसा और पावर मुझे कभी एक्साइट नहीं किया की पावर होगी ये चीज मुझे एक्साइट कहीं लोग वो करती है इसलिए मैंने सिविल सिविल uh, का सर मैंने मेंस दिया था तो मेरी बहुत अच्छी तैयारी नहीं थी मतलब तो तो मैंने पढ़ा ही नहीं था टाइम पास कर रहा था एक तरह से अपने ऑप्शनल को पढ़ के नहीं गया था फिर भी मेरी इंटरव्यू कॉल से खाली चौंतीस नंबर कम रह गए थे बट मैंने आगे सिविल सर्विसेज एग्जाम नहीं दिया मेरे अटैम्प्ट पड़े हुए थे सारे नहीं दिया मैंने क्योंकि मुझे क्लियर था कि मुझे पढ़ाना है मुझे शौक है पढ़ाने का मुझे मजा आता है पढ़ाने में तो मैं पढ़ाऊँगा और मुझे ये पता था कि इसमें मैं एक अच्छा खासा पैसा बनाऊँगा और आई थिंक एक चीज़ और रियलाइज़ होती है सर जब आपको पैसे मिल जाते हैं कि ये वो चीज़ नहीं है जो आपको लंबे टाइम तक ड्राइव कर पाएगी yes. तो उसके बाद आपका जो रियल पर्पज़ है कि भाई मेरे को पढ़ाने का शौक है मुझे सोसाइटी में यूथ को गाइड करना है आई थिंक टीचिंग का ऑनलाइन में सबसे बड़ा फ़ायदा सर ये है कि आप उन यूथ को सही बात सिखा सकते हो सर मेरी क्लासेस में आपको मैं बता रहा हूँ मेरा फोकस 20 परसेंट यही रहता है कि उनको जिंदगी को hmm. जिंदगी की कुछ बातें सिखा दो कि वो एक अच्छा इंसान बन के निकले सिर्फ मैथ पढ़ के ना जाए तो वो चीज है कि बट आई थिंक वो जो करप्शन वाला uh, एक पॉइंट है वो कुछ लोगों के दिमाग में होता है बच्चे पूछ लेते हैं क्लास में कई बार तो hmm. कि सर इस इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को ऊपर से कितना मिलता है ठीक <laughs> है <laughs> तो मैंने कहा यार ये सब uh, चीजें दिमाग से निकालो एक बार सर इंटरव्यू में एक टॉपर ने हमें बोला ये चीज मैंने कहा आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर क्यों बने क्यों बनने का सोचा तो बोला जब मैं शहर में बड़े बड़े घर देखता था तो मुझे लगा ऐसा ही घर बनाना है मुझे आ, मैंने उसको रोका मैंने कहा ऐसी बातें ना करो कि तुम फंस जाओ ठीक <laughs> है थोड़ा बहुत आया कुछ लोगों के दिमाग में मना नहीं करूँगा बट सर ये पता नहीं आप इसका आंसर देना चाहेंगे नहीं देना चाहेंगे बट मैं अभी किसी के साथ था मैं बैठा हुआ था तो उन्होंने मुझे व्हाट्सअप पे कुछ चैट्स दिखाई कि ऐसे बड़े बड़े एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनकी जैसे यहाँ तो ये क्या हुआ कि बच्चे ने मेहनत करके एग्ज़ाम दिया उसकी रैंक आई तो इंस्टीट्यूट ने कहा कि ये रैंक हमारे और ख़रीद लिया ये एक बहुत सेपरेट चीज़ हो गई लेकिन एक होता है कि इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम से पहले रैंक खरीद लेता है कि यार हमारे इस बच्चे को आप रैंक वन दोगे वो उनके साथ बात कर लेता जो एग्ज़ाम कन्डक्ट कर तो क्या ये सही है ऐसा है आपको आपके सर आई थिंक अभी चीज़ें ये सब कम हो गई हैं चीज़ें ऐसा नहीं हुआ होगा कि नहीं हुई होंगी पहले पहले के सिस्टम तो बहुत ख़राब थे बट अभी सिस्टम इम्प्रूवमेंट हैं ऑनलाइन इवन सर एसएससी में पहले ऑफलाइन एग्जाम होता था पेपर वाला फिर जब पहली बार ऑनलाइन एग्जाम इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद ही बहुत बड़ा स्कैम सामने आया था अच्छा तो अब एग्जाम ऑनलाइन होता है बस पूरा ऑनलाइन है अच्छा ऑफलाइन है ही नहीं कुछ भी अच्छा पूरा ऑनलाइन एग्जाम होता है जैसे आई का एग्ज़ाम होता है वैसे ही ऑनलाइन आई टी का तो ऑफलाइन भी होता है अभी भी ऑफलाइन है सेंटर जाके एग्जाम देना होता है लेकिन ऑनलाइन होता है जी जी ऑफलाइन भी है पेपर वाला भी है पेपर वाला पता नहीं मुझे अच्छा आई थिंक ऑनलाइन है आईटी अच्छा ठीक है और ऐसा में भी है। सब ऑनलाइन हो गया तो आई थिंक अभी सेंटर वाइज चीटिंग की चीज़ें समझ में सुनने में आती हैं कि एक पर्टिकुलर सेंटर ने चीटिंग करा दी uh, किसी और को बिठा के एग्जाम दिला दिया ये सब सुनने में आया है बट बट आई थिंक ऑनलाइन ने काफी चीज़ें एड्रेस भी करी ठीक है ठीक है तो अभी ठीक ठाक चीज़ें फेयर है मुझे लगता है सर uh, एक और क्वेश्चन है फिर हम रैपिड फायर खेलेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन ये है कि मैंने आपकी कहानी सुनी उसमें देखा कि आपने काफ़ी लोन लिए थे पढ़ाई करने के लिए और उस चक्कर में आपको एक ऐसी जॉब करनी पड़ गई जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं थे तब तक वो लोन पूरा होगा तब तक आप कर रहे थे तो आपके हिसाब से बच्चे के लिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे यहाँ जिनके घर के हालात ठीक नहीं होंगे लेकिन वो पढ़ना चाह रहे हैं तो लोन ले पढ़ाई करना एक अच्छा ऑप्शन है या बच्चे को कोशिश करनी चाहिए कि अगर पैसा नहीं है तो वो खुद से पढ़े अपने कम जितने रिसोर्सेज उसके पास हैं उसमें मेहनत करके पढ़े तो यहाँ पे बच्चे को क्या चुनना चाहिए सर आई थिंक लोन लेना गलत बात नहीं है अगर आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है लेट से आपके पास तीन चॉइसेस हैं ठीक है तो आप चुन सकते हो कि चलो ये वाला चॉइस कर लें बट आपको लॉन्ग टर्म में जीतना है लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो लोन कोई बुरा ऑप्शन नहीं है मतलब तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा खराब रहा मुझे लगता है आपका क्या एक्सपीरियंस सर मैंने एक तो लोन लिया तो गड़बड़ी क्या होती है लोन जब आप लेते हो तो आप सोचते नहीं हो आपको पे करना होता है मैंने जब <laughs> लोन लिया तो बैंक वालों ने सर मुझे कई चीजें चेप दी बोले बेटा लैपटॉप ले लो hmm. तो मैंने कहा अरे तो सही लैपटॉप भी ले लेते हैं तो वो क्या करते हैं वो लोन वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपको चार चीजें और चेप देंगे और आपको समझ में नहीं आएगा तो मैंने उस समय सोनी वायो का लैपटॉप ले लिया उसमें बड़ा पॉपुलर हुआ करता था चालीस का लैपटॉप उस टाइम पे ले लिया था पैतालीस का था शायद तो जितना जरूरत है उतना ही लोन लो जैसे वो एक लग्जरी आइटम फालतू में लिया मैंने तो अब उसको भरने के लिए आपका टाइम बढ़ रहा है जितना आप लोन ले रहे हो तो इेशनल लोन मत लो ये सोचो कि तुम्हें लौटाना है तो आप कम टाइम में उसको लौटा पाओ और ये भी देखना है कि आप लोन जिस चीज़ के लिए ले रहे हो क्या वाकई में आप वो काम ठीक से करोगे भी कि नहीं करोगे ये चीज़ जरूरी है जैसे पर्सनल लाइफ में भी सर मुझे लोन नहीं पसंद है मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है आज के में नहीं लेता हूँ मैं मुझे लगता है लोन एक कोलेट्रल है आपकी फ्रीडम का ये yes. सर मान लेते हैं किसी बच्चे को आफ्टर ग्रेजुएशन एसएससी का कोई एग्जाम देना है सी लाइक -like. तो एक आप रफ बात बच्चों को बता सकते हो कि उनका कितना खर्चा आता होगा सर आज के डेट में खर्चा तो बहुत कम है पहली बात तो बच्चा घर पर रह कर पढ़ सकता है अब कुछ बच्चे घर पर रहना ही नहीं चाहते ठीक है क्योंकि घर पर फ्रीडम कटल होती है तो वो कहेंगे हमको दिल्ली जाना है अब ये सब जबरदस्ती है आज की डेट में सर घर पे रह के बच्चा पढ़ाई कर सकता है तो जैसे मान लो हाँ, वो आपका कोई कोर्स लेता है हाँ, तो क्या प्राइजेज हैं कितने में उसकी तैयारी हो जाएगी और क्या एक्स्ट्रा और चीजें हैं है। फॉर्म वगैरह है इन सब का खर्चा क्या है? फॉर्म का खर्चा तो बहुत कम है मतलब फॉर्म का, अच्छा अच्छा। का खर्चा है वो तो छोड़ दो ठीक है छोड़ दिया अगर बच्चा अपने घर पर रहकर तैयारी करा तो उसका एक इंटरनेट का खर्चा है एस एस की तैयारी का खर्चा अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ तो मार्केट में हर प्राइस रेंज में कोर्सेज हैं ठीक है ठीक है जैसे मेरा कोई इंडिविजुअल मैथ्स का कोर्स पढ़ना चाहता है

शायद अब फाइनेंशियल इशू की वजह से कोई बच्चा ऐसे ऐसे की तैयारी ना कर सर, रहा मैं एक लाइन बोलता हूँ हाँ जी कि अब कंटेंट प्रॉब्लम नहीं है इंटेंट की प्रॉब्लम बहुत बढ़िया अगर इंटेंट है तो आप ये एग्जाम कहीं भी रहकर निकाल सकते हो नहीं पैसा है तो यूट्यूब से पढ़ के निकाल सकते हो यस ठीक है सर अब हम एक रैपिड फायर जी लेंगे जी। आपको बिना सोचे समझे बस इसके आंसर देने होंगे जी 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 एक ऐसी चीज जो आप करते हैं जब आस कोई नहीं होता आँख बंद करके बैठ जाता हूँ सर मैं मेडिटेशन मेडिटेशन बोल सकते हैं जो भी बोल लो जी आपका ऐसा सीक्रेट मतलब डार्केस्ट सीक्रेट सर एक टाइम पे मेरे को लगा था कि मैं ना सब कुछ छोड़ देता हूँ लाइफ में स्पिरिचुअल पाथ पे चला जाता हूँ ये भी मेरे साथ एक बार हुआ एंड hmm. उस पार्ट में मैं बनारस वनारस भी गया घूमा अयोध्या बनारस अच्छा मुझे बड़ा इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में कि hmm. लाइफ में क्या है मतलब एक एक टाइम ऐसा आता है जब होता है ना हु एम आई बहुत ज़्यादा yes. डीप हो जाता है तो मेरे साथ ये हुआ ट्वेल्थ के बाद ही हुआ आई की तैयारी में जब आई में नहीं हुआ ना तो ये चीज़ मेरे अंदर उमड़ी तो मैं खूमा काफी एंड उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि हूँ मैं भोगी ठीक <laughs> <थीके>? है <laughs> मैं योगी नहीं हूँ तो मुझे लगा ये लाइफ भी शायद मैं जी नहीं तो सर आपकी सबसे घटिया हैबिट सबसे घटिया हैबिट सर फूड में मैं सर बहुत ही अनकंट्रोल्ड हूँ मतलब आप देखो मेरा पेट कितना निकला हुआ है <laughs> तो कंट्रोल नहीं करता हूँ मैं मतलब मेरे को खाने का इतना शौक है कि मैं कुछ भी कितना भी खा जाता हूँ सबसे अच्छी हैबिट आपकी जो आपको लगता है आपकी सबसे अच्छी हैबिट है सबसे अच्छे है बेटे सर कभी किसी का बुरा नहीं सोचता हूँ जैसे आप सेगमेंट में देखोगे मेरे टीचर्स जो हैं हमारे बिल्कुल मैं यहाँ सर मैं एक बात बताना चाहूँगा मैंने यहाँ बहुत लोगों का पॉडकास्ट लिया है और हम हर पॉडकास्ट से पहले टीचर से मिलते हैं बात करते हैं तो रेमो सर एक ऐसा नाम था मैं सर को जानता नहीं था मैंने सर का फेस अभी एक हफ्ता पहले देखा है वीडियो क्योंकि मेरा ऐसे ज़्यादा कुछ कनेक्शन है नहीं सर बट नाम मुझे शायद मैं ये नाम दो महीने तीन महीने से सुन रहा हूँ जितने भी टीचर्स आए हैं जो एस पढ़ाते हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए पढ़ाते हैं कहीं ना कहीं सर उन्होंने आपकी तारीफ़ की चाहे पाँच मिनट के लिए आपकी बात हुई हो चाहे आधे घंटे के लिए बात हुई हो बट आपकी बात ज़रूर हुई है ये मैंने आपको आते ही बताया आज सर दो पॉइंट ऐड करूँगा आई थिंक पढ़ने का बहुत फ़ायदा होता है लाइफ में तो एक टाइम था जब मैंने साइंस पढ़ा मैथ्स से प्यार हुआ वो मेरा पैशन बना करियर बना बट जो मैंने ह्यूमैनिटीज़ पढ़ी ना तो एक टाइम था जब स्पिरिचुअलिटी में बड़ा इंटरेस्ट आया तो लाइफ में बड़े पर्सपेक्टिव जुड़ गए मेरे साथ तो जैसे मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा तो मैंने देखा इतना कंपटीशन है दो लोगों के बीच में कि दो टीचर आपस में बात नहीं करना चाहते हैं yes. आ, मेरे दिमाग में हमेशा ये रहा कि लोगों को कॉमरेड के तौर पे देखना है कॉम्पिटिटर के तौर पे नहीं, नहीं मेरे को ये रियलाइजेशन है कि हैं तो हम सभी एक ही मतलब सर अगर आप पीछे जाके देखोगे कि ईश्वर ने सबको बनाया तो हैं तो सब एक ही अलग तो हो ही नहीं सकते हम लोग बट बीच में बिजनेस बीच में ये सारी चीजें आके हम लोगों को लगता है कि एक दूसरे के दुश्मन है तो वो मेरे थॉट में नहीं है मैं हमेशा सबका भला सोचता हूँ चाहे वो आ, मेरे सेगमेंट का टीचर हो मैथ्स पढ़ाता है एस में वो भी मैं भी मैं सबकी तारीफ दिल खोल के करता हूँ क्योंकि मेरे अंदर से निकलती है मेरे से बुराई निकलती है नहीं सर किसी से मतलब फीडबैक दे देता हूँ मैं बुराई मैं पर्सनल करता हूँ वन टू वन कर देता हूँ फीडबैक देता हूँ कॉल करके दे दूंगा लेकिन अच्छाई की बात मैं पूरी दुनिया में गा के करता हूँ सर आपका आज तक का सबसे बिगेस्ट फेलियर क्या रहा सर बिगेस्ट फेलियर मैं कहूँगा कि शायद आईटी ना निकलना मेरा रहा और मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा और सीरियस होता तो मैं निकाल लेता सर पार्टी या पीस क्या पसंद है आपको दोनों एक टाइम पे अच्छा। पार्टी बहुत पसंद थी <laughs> अभी भी दोनों पसंद है मुझे ऐसा नहीं है ठीक है डिपेंड करता है मैं किस जोन में हूँ ठीक है सर आप रात को जागना पसंद करते हैं सुबह जल्दी उठना सर मैं 2013 के बाद मॉर्निंग में जल्दी उठना शुरू किया मैंने पाँच छः बजे उठने वाला आदमी बन गया अच्छा। बट अभी जब से बेटी हुई है मेरी तब तो से मेरा शेड्यूल इधर उधर हो गया आपने आज तक यही सबसे सस्ती चीज़ क्या खरीदी है जो बहुत यूजफुल साबित हुई है सर एक बुक ली थी मैंने मुझे याद है ओशो की किताब थी बस में बिक रही थी तो उस बुक से थोड़ा थोड़ा डीप इंसाइट मिली थी मुझे तो आई थिंक वो कुछ पाँच रुपये की किताब होगी बट सर मैथ्स को एक वर्ड में क्या बोलना चाहेंगे आप इज लव यही बोलूंगा मैं वो <laughs> नंबर्स के साथ डील करना मतलब मैं तो सर नंबर्स से बड़ा इंटरेस्टेड हूँ hmm. तो मुझे नंबर्स में बड़े पैटर्न दिखते हैं मैं आज भी मुझे नए पैटर्न दिख जाते हैं सर मैरिड लाइफ या फिर बैचलर्स लाइफ मैरिड लाइफ बिकॉज बैचलर सर एक एक टाइम पे लगता है शादी के बाद कि नेचुरली चीजें बदलती हैं hmm. दोनों के लिए बदलती हैं आपको मैं कुछ लोगों के नाम लूंगा आपको इनको मैथ्स का कोई टर्म देना है आपके फादर पिताजी इंटीग्रेशन मदर उनको मैं सिग्मा ही बोलूंगा सर आपकी वाइफ आई थिंक उसने बिजनेस में मुझे बहुत सपोर्ट किया है एंड मैं उसको भी यही बोलूंगा कि वो बिजनेस के लिए एक इंटीग्रेशन का रोल रहा है उसका आपकी बेटी अभी तो फन है ठीक है <laughs> जी तो बहुत मजा आता है उसके साथ ठीक है सर आपको आज तक की वर्स्ट एडवाइस क्या मिली है वर्स्ट एडवाइस मुझे ये मिली है कि मेरी बात मान लो कि तुम ये नहीं कर पाओगे मैं करके देखूंगा फेल हो जाऊंगा तब मानूंगा कि नहीं, नहीं हुआ किसी और के कहने से नहीं मानना है बस तो सर अब एक ग्राउंड होगा जहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर येस और नो में कैमरा में देख के बताना है सर ये सवाल मैं सर आपसे पूछ चुका हूँ बट क्या एजुकेशनल लोन लेना सही है या गलत है सही है सही है, है। गाँव के बच्चे कामयाब उनके होने के चांसेस कम एज कम्पेयर टू शहर क्या ये बात सही है यस बिकॉज़ नहीं है, जब तक hmm. आदमी को सही डायरेक्शन ना मिले और वो सही डायरेक्शन में सर, मैं नहीं बता पावर से ज्यादा एक्चुअल पावर हो या ना हो सोसाइटी hmm. के दिमाग में तो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है तो बहुत hmm. पावर होगी क्या आपने अपने स्टूडेंट की किसी पावर का कभी मिस यूज किया नहीं नहीं सर मेरा और स्टूडेंट का रिलेशन ये है कि सिलेक्शन हो गया नमस्कार

और अब आप इस रिजॉर्ट का एक भी पैसा नहीं दोगे <laughs> तो मैंने कहा नहीं सर ऐसा पॉसिबल नहीं है मैं ऐसे नहीं रोकूंगा तो तब मैंने देखा मैंने नहीं ली मतलब मैं, मैं उनकी बात नहीं माना ऑल तो उन्होंने बाकी सब मेरे लिए बहुत कुछ किया लाइक उन्होंने हमें पूरा उदयपुर घुमाया लाल बत्ती वाली गाड़ी पे लाइक ऐसा ऐसा बट मैं तब जाके समझा कि यार इनका कितना चलती होगी इनकी यहाँ की सर ऐसा कोई टॉपिक मैथ्स का जो आपको लगता है कि आपको सबसे टफ रहा सीखना सर प्रोबेबिलिटी परमुटेशन बहुत टफ रहा सीखना बट वो सबसे प्यारा सब्जेक्ट बन गया मेरा प्यारा आपने इतनी मेहनत की उस पर हाँ कभी टीचिंग छोड़ने का मन किया आपका टीचिंग छोड़ने का मेरा मन नहीं किया सर कभी बट मेरे दिमाग में ये है कि अब जिंदगी भर क्या मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा या आगे मैं कुछ और क्योंकि सर मेरा इंटरेस्ट बहुत सब्जेक्ट्स में मैंने जैसे आपको बोला ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट है मेरा सर आपके कभी किसी स्टूडेंट ने पोस्ट का फायदा उठाया आपको पता चला सर नहीं मैं थोड़ा नहीं। कम कनेक्टेड हूँ बच्चों के सिलेक्शन के बाद तो उतना मुझे आइडिया नहीं है ठीक है सर चीके सर।, चीके। सर लास्ट के दो सवाल हैं पहला सवाल है कि आप क्योंकि देखो जब भी कोई कामयाब होता है जीवन में तो उसके ऑफिस से बात है वेल विशर्स तो हैं जो कि आपके बहुत सारे हैं बट हेटर्स भी होंगे तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सर मैं हेटर्स को बुरा नहीं मानता हूँ मतलब मुझे ये लगता है कि वाई शुड बी एक्सपेक्ट कि हर कोई मतलब ये तो वो हो गया कि जब तक सब मेरे बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे तब तक तो मैं अच्छा काम ही नहीं कर रहा हूँ तो शुरू में इम्पैक्ट करता था बहुत करता था सर मतलब एक एक डिसलाइक्स लगता था कि क्या हो गया किसी ने पत्थर मार दिया <laughs> बट ग्रेजुअली आई थिंक ज्यादा थोड़ी फिलासफी पढ़ने के बाद साइकोलॉजी समझने के बाद मैं सेटल हो गया मुझे लगा ठीक है नॉर्मल है जेन की एक सेंग भी है कि दस लोगों में से आपको हमेशा एक आदमी ऐसा होगा जो पूरी तरह से डिसलाइक करेगा आप कितना भी अच्छा काम करो hmm, दो तीन लोग ऐसे होंगे जो आपको पूरी तरह से पसंद करेंगे आप चाहे अच्छा करो या बुरा करो hmm, और बाकी छह से सात लोग ऐसे होंगे जो डामाडोल रहेंगे hmm. करें कि ना करें <laughs> तो ये नॉर्मल है सर आई थिंक hmm. ये तो ब्यूटी है कि इतने लोग हैं तो सबके डाइवर्सिफाइड ओपिनियंस होंगे बिल्कुल उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो चाहे वो एस हो चाहे वो कोई भी एग्जाम हो क्या कुछ पॉइंट्स हैं जो बच्चों को ध्यान में रखने चाहिए सर एक लाइन में फिर सर बीट कर रहा बहुत पॉपुलर है किस मुँह से इल्जाम धरोगे बारिश पर बौछारों पर किस मुंह से इल्जाम धरोगे बारिश पर बौछारों पर जब तुमने ही तस्वीर बनाई मिट्टी की दीवारों पर अरे वाह सर बहुत बढ़िया तो आ, सबसे पहले सर मुझे हमें यह समझना है कि कंपटीशन ब्रूटल है बहुत ज़्यादा है अगर आप नंबर्स देखोगे तो सिर्फ घबराओगे इतने बच्चों में इतनों का सिलेक्शन होता है बट मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि मेरा बच्चा या कोई भी बच्चा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है क्या आप अपना हंड्रेड परसेंट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो hmm. यह समझना कि एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम को निकालना आपकी लाइफ बना सकता है मैं ये नहीं कहूंगा बिगाड़ सकता है क्योंकि आप नए रास्ते भी बना सकते हो लाइफ में बट सबसे ज्यादा जो गिल्ट होता है ना सर वो यही होता है कि मैंने अपना हंड्रेड परसेंट दिया क्यों नहीं hmm. तो ये परसेप्शन आप लेके मत जाओ कि कमजोर तैयारी के साथ सिलेक्शन हो जाएगा है ना फेक तैयारी के साथ तुम रियल सिलेक्शन ले लोगे yes. तो वो फेकनेस में मत जियो कहते ना कि वो मिट्टी की दीवारों पर तस्वीर मत बनाओ hmm. तस्वीर ऐसी बनाओ कि बारिश बौछारों से बहे ना ऐसी तैयारी सॉलिड रखो तो मैं इसके लिए एक लाइन बोलता हूं सर ग्रीन जोन बोलता हूं कि आपकी तैयारी ऐसी हो ना कि पेपर कैसा भी आ जाए आपका सिलेक्शन हो थैंक यू सो मच सर थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू